Assalamu Alaikum welcome to lecture number 4 of software design and architecture before we start our today's lecture discussion i would like to give you a little bit recap about our last lecture so students what we discussed in our last lecture we see the different types of decompositions and we see the tree based decomposition विच वी कॉल द एब्सट्रैक्शन एक्सटर्नल टू द सिस्टम आफ्टर सीइंग द ट्री बेस्ड डीकम्पोजिशन वी मूव वॉन्ट टू द सम रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल एंड वी सी द आटोमेटिक टिकटिंग इशुंगस्टम यूज बाई पसेंजर्स एट अ रेलवे स्टेशन एंड दैन बेस्ड ऑन दिस प्रॉब्लम और सम रियल वर्ल्ड के स्टडी ऑफ आटोमेटिक टिकटिंग इशुंग रेलवे स्टेशन हमने देखा कि इस टिकटिंग इशुंग सिस्टम से की हेल्प से हम डिफरेंट टाइप की डीकम्पोजिशनस को यूज़ करते हुए ऑन द बेस ऑफ सब सिस्टम्स वाल दी होरिजोंटल बेस्ड डिकम्पोजिशन एंड द वर्टिकल डिकम्पोजिशन बेस्ड बच्च भी काट दा लेयर बेस्ड डिकम्पोजिशन हमने देखा कि रेलवे टिकटिंग ऐशंग सिस्टम के अंदर हम डिफरेंट डिकम्पोजिशन के थ्रू कैसे हम अपने आर्किटेक्चर को मॉडल कर सकते हैं रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल टिकटिंग ऐशंग सिस्टम से हमने सब सिस्टम्स को डिजाइन करना देखा विद द हेल्प ऑफ सब सिस्टम फिर हमने लेयर बेस्ड सिस्टम के साथ डिजाइन uh, करना देखा एंड दैन वी मूव ऑन टू ददर पार्ट ऑफ द एब्सट्रेक्शन इंटरनल टू दिसटम विच इज ऑल्सो कॉल दब्सट्रेक्शन इंटरनल टू मोडलाइजेशन एंड दैन वी सी द डिफर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोडलाइजेशन फर्स्ट वन वास्ट द इनकैप्सुलेकेंड वन व इंफॉर्मेशन हैडिंग इन द इनकैसुलेशन वी कॉल इट अ ग्रुपिंग टेक्नीक And then we also see the different uh, two different examples of encapsulation technique of modularization. We see the digital clock based example as well, and the other one is relational database. And we clear our concept about the encapsulation. And then we move into the information hiding, and we discussed what is actually information hiding. And we also discussed how information hiding is. Difficult uh, is different from the encapsulation. These are two similar techniques, but not same. Basically, we also uh, discuss that in basically in encapsulation and information hiding are two techniques to achieve modularization, which are internal to the abstraction. And then we move on to the last part of the lecture three, uh, information hiding and without information hiding, we see the पिक्टोरियल रिप्रजेंटेशन फॉर वट एक्चुअली इंफॉर्मेशन हाइडिंग लुक लाइक्स एंड वट विदाउट इंफॉमेशन हाइडिंग लुक लाइक्स सो वी बेसिकली सी द डिफरेंस बिटवीन विद एंड विदाउट इंफॉर्मेशन हाइडिंग सो ये था हमारा ब्रीफ ओवरव्यू कि हमने लेक्चर नंबर थ्री में क्या पढ़ा था हमने ट्री बेस स्ट्रक्चर जो हमारा रिमेनिंग था एब्सट्रैक्शन एक्सटर्नल टू डिकम्पोजिशन हमने वो देखा था कि ये क्या है उसके बाद टिकटिंग इशूइंग सिस्टम को हम लोग लेकर चले और उसके अंदर हमने देखा कि हम सब सिस्टम्स के थ्रू कैसे इसको मॉडल को बिल्ड कर सकते हैं टिकटिंग इशूइंग सिस्टम को फिर हमने लेयर बेस्ड आर्किटेक्चर के ऊपर देखा कि हम इसको कैसे बिल्ड कर सकते हैं एंड ट्री बेस्ड ऑब्वियसली इट वॉज अ कंबिनेशन ऑफ बोथ विच इज़ आल्सो कॉल्ड अ हाइब्रिड अप्रोच ज़ द ट्री बेस्ड स्ट्रक्चर फिर हम मूव की ये अपने एब्सट्रैक्शन इंटरनल टू मॉडलाइजेशन की तरफ उसके अंदर हमने देखा कि ग्रुप बेस्ड टेक्निक इनकेप्सुलेशन क्या है और हाइडिंग बेस्ड इंफॉर्मेशन हाइडिंग क्या है और ये दोनों टेक्निक सिमिलर सिमिलर दिखने में लगती हैं लेकिन ये सेम नहीं है हमने इन कैप्सोलेशन देखा ये क्या है क्लॉक बेस्ड एग्जांपल्स देखी रिलेशन डाटा के थ्रू एग्जांपल्स देखी फिर हमने इंफॉमेशन हाइडिंग की एग्जांपल देखी फिर हमने देखा कि इन्फॉर्मेशन हाइडिंग एंड विदाउट इन्फॉर्मेशन हाइडिंग पिक्टोरियल पिक्टोरियल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू इनमें डिफ्रेंस क्या है एंड देन एट दी एंड इन्फॉर्मेशन हाइडिंग में एंड इन कैप्सोलेशन दोनों में डिफ्रेंस क्या है हमने कहा था कि ये दोनों टेक्निक्स हैं मॉडलाइजेशन को अचीव करने के लिए थ्रू internal abstraction so students it was a little recap about our lecture number 3 so let's move to our today's lecture which is basically uml based lecture so now it's uh, 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 we will discuss what is the uml it's a part a lecture so uml will have three parts part a part b and part c part b will be discussed in lecture 5 part c will be discussed in lecture 6 so part a will be discussed in lecture 4

परफॉर्म कर सकते हैं यू एम एल एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है विच बेसिकली प्रोवाइड एज द डिफरेंट मड्यूल्स लाइक स्पेसिफाइंग विजुअलाइजिंग कंस्ट्रक्टिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, पेसिस और आर्टिफैक्ट्स ऑफ आवर सॉफ्टवेयर सो यू एम एल इज़ ए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉर ग्राफिकल नोटेशन टू एक्सप्रैस डबलो डी एनालिसिस एंड डिज़ाइन बेस्ड सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स एंड इट्स एब्रीविएशन सो वेयर इट कम्स फ्राम यू एम एल बेसिकली यू एम एल हमारे पास आया कहाँ से और ये हम यूटिलाइज़ क्यों करते हैं बेसिकली जो यू एम एल हमारे पास था एक जनरल परपज़ डिवेलपमेंट मॉडलिंग लैंग्वेज टूल है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर जो हमें एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है टू विजुअलाइज़ दिस डिज़ाइन ऑफ अ सिस्टम कि हम अपने एक सॉफ्टवेयर के सिस्टम के डिज़ाइन को विजुअलाइज़ कैसे कर सकते हैं पिक्टोरियल ग्राफिकल नोटेशंस में ये हमें शो ऑफ ये हमें प्रोवाइड करता है मैकेनिज्म जिसको हम कहते हैं यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज सो यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज वाज एक्चुअली डेवलप्ड बाय द थ्री साइंटिस्ट लाइक ग्रेडी ब्रूज जैकबसन एंड द रैमबर्ग एट रैशनल सॉफ्टवेयर इन नाइनटी इन थ्री थ्री पीपल्स ने इसको डिवेल्प किया था कि यू को यह परफॉर्म कैसे करता है सो लेट्स टू द नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड सो यू विल गेट बेटर आइडिया सो बेसिकली यू एम एल इज़ डिफरेंट फ्राम अदर प्रोग्रामिंगिंग लैंग्वेजिज़ जो यू एम एल है हमारी अदर जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज़ है लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएटेड है जावा सी प्लस प्लस एंड अदर लैंग्वेज एज वेल बट टूल्स कैन बी यूज टू जनरेट कोड इन वेरियस लैंग्वेज यूजंग यू एम एल डाइग्राम सो स्टूडेंट्स वट डज़ इट मीन इस बात का कहने का मतलब क्या है कि जो यू एम एल है हमारी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज़ है इनसे डिफरेंट है बट हाउ यू एम एल जो टूल है इसकी मदद से हम डिफरेंट डायग्राम्स को जनरेट करते हैं विच एक्चुअली डिपेक्स द स्ट्रक्चरल एंड बिहेवियर एक्सपेक्ट्स ऑफ द आवर सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम जो हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हमें गिवन कर रहा होता है इट डज़ नॉट इंक्लूड एनी प्रोग्रामिंग्स सो जो हमारा यूज़ यू एम एल बेस्ड आर्किटेक्चर है हमें उसकी हेल्प की मदद से हम डिफरेंट टूल्स को यूटिलाइज करते हुए उस अपने यू एम एल बेस्ड आर्किटेक्चर से उसका सोर्स कोड भी जनरेट कर सकते हैं दिस सोर्स कोड विल ओनली गिव अस द आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चरल और बिहेवियर इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम दिस जनरेशन ऑफ सोर्स कोड फ्राम विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टूल्स विल नॉट गिव अस द डिटेल्स ऑफ इन इनर लेवल डिटेल्स वट इज़ द मैथड्स वट इज वट गोइंग ऑन द इन साइड्स ऑफ दिस फंक्शन एज वेल सो जो हमारे पास यू एम एल है इसको यूज़ करते हुए हम किसी भी सॉफ्टवेयर के आर्किटेक्चर का डिफरेंट टूल्स की हेल्प से सोर्स कोड को जनरेट कर सकते हैं जो जस्ट हमें स्केल्टन ब्लू प्रिंट्स प्रोवाइड करेगा उस सॉफ़्टवेयर सिस्टम का कि इसका स्ट्रक्चर क्या है उसका हमें सोर्स कोड प्रोवाइड कर देगा बट इट विल नॉट गिव अस द इंटरनल डिटेल्स हाउ दिस एलिमेंट्स आर वर्किंग टूगैदर इट डज नॉट गिव अस द इम्प्लीमेंटेशन लेवल डिटेल्स विद लाइक यू कैन आल्सो स डिवेल्पर्स व्यू सो इन शॉर्ट यू एम एल इज़ अ पिक्टोरियल लैंग्वेज ग्राफिकल लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम सॉफ्टवेयर के ब्लू प्रिंट्स स्कैल्टन और उसका आर्किटेक्चर या स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं तो यू एम एल यू कैन से दैट इट्स बेसिकली अप्रोच यर डिजाइन जो सॉफ्टवेयर के डिजाइनिंग के प्रोसेस को सिम्पलीफाई कर देता है तो कौन कर देता है यूएमएल विच वी कॉल्ड अड मॉडलिंग लैंग्वेज सो ना वी विल डिस्कस डिफरेंट गोल्स ऑफ यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज सो डिफरेंट गोल्स के हैं यू एम एल के

इट्स डिफाइन इच्छ डिफाइन द सिंपल मॉडलिंग मेकनीज़म टू मॉडल द आल पॉसिबल प्रैक्टिकल सिस्टम्स इन टूडेज़ कम्प्लैक्स इन्वायरमेंट कि हमारे आज कल के जितने भी कम्प्लेक्स इन्वायरमेंट के अंदर प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर बेस सिस्टम को हम मॉडल करते हैं यू एम एल हमें एक मेकानिज़म प्रोवाइड करता है उसकी आर्किटेक्चर को ब्लू प्रिंट्स को डिवेलप करने के अंदर सो इन शॉर्ट यू कैन से डेड यू एम एल डिस्क्राइब्स ओनली डिज़ाइन और स्ट्रक्चर ऑफ अवर सॉफ्टवेयर सिस्टम के जो यू एम एल है हमें डिस्क्राइब करता है हमारे डिज़ाइन को और सिस्टम के स्ट्रक्चर को सो so, यू एम एल डायग्राम सिर्फ डिवेलपर्स के लिए नहीं है बट इट आल्सो हेल्प फॉर अदर यूजर्स कॉमन पीपल एनी बॉडी इंटरस्टेड टू अंडरस्टैंड द सिस्टम जो यू एम एल डायगराम हैं यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज है ये जस्ट डिवेलपर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं है ये एंड यूजर्स के लिए भी है बिजनेस यूजर्स के लिए भी है लाइक अदर कॉमन पीपल विच वी आल्सो कॉल द स्टेक होल्डर्स और एनी बॉडी हु इज इंटरेस्टेड इंटरस्टेड टू अंडरस्टैंड दिसटम विच वी कॉल द स्टेक होल्डर बेसिकली स्टेक होल्डर आर दोज पीपल हो आर डायरेक्टली और इन डायरेक्टली अफेक्टेड बाई द सिस्टम दिज वी कॉल दि स्टेक होल्डर सो यू एम एल यू कैन सीट एट नाट ओनली फॉर द डिवेल्पर्स इट इज इट इज़ आल्सो फॉर द इंटायर स्टेक होल्डर्स ऑफ द सिस्टम यू एम एल सिर्फ डिवेलपर्स के लिए नहीं है ये हमारे पास आम लोगों के लिए और जितने भी सिस्टम के स्टेक होल्डर हैं उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो सिस्टम को कैसे अंडरस्टेंड कर सकते हैं वो भी यू एम एल को यूटिलाइज कर सकते हैं सो इट मस्ट बी क्लियर डेट यू एम एल हमारे पास कोई डेवलपमेंट मैथड नहीं है कम, uh, ये कंपनीज को प्रोसेस प्रोवाइड करता है टू ओवर लुक द एस्पेक्ट्स एज वेल एज द बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ दिस्टम डिजाइन सो हियर इज़ लिटल बिट हिस्ट्री ऑफ यू एम एल फ्राम वेयर द यू एम एल कम्स ये थोड़ी सी हिस्ट्री है हमारे पास कि यू एम एल कैसे हमारे पास कम एग्जिस्टेंट यू डोंट नीड टू रिमेंबर द हिस्ट्री ऑफ यू एम एल इट ऑनली टू गिव यू आर अबाउट ओवर यू एम एल हाउ इट एक्चुअली कम्स फ्राम लाइक इन अर्ली स्टेजेस ऑफ मॉडल डिप एंड डेवलपमेंट की अर्ली स्टेज़स में हमारे पास कोई भी यूनिवर्सल अप्रोच नहीं थी सॉफ्टवेयर सिस्टम को मॉडल करने के लिए सॉफ्टवेयर सिस्टम के स्ट्रक्चरल एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स को डिस्कस करने के लिए हमारे पास कोई भी मॉडलिंग अप्रोच नहीं थी तो लाइक एज डिफरेंट पीपल अंडरस्टैंड द नोशन इन डिफरेंट वे इफ देर इज़ नो यूनिवर्सल मॉडल अप्रोच अगर आपके पास कोई यूनिवर्सल मॉडल अप्रोच ना हो तो बहुत सारे लोग डिफरेंट चीज़ों को अपने अपने तरीके से मैकेनिज्म से ही अंडरस्टैंड करते हैं तो यू कैन से डैट देर इज़ नो स्टैंडर्ड मैकनिज़म टू तो अंडरस्टैंड दॉफ्टवेयर बेस्ड मॉडलिंग सिस्टम्स कोई स्टैंडर्ड अप्रोच नहीं थी कोई मैकेनिज्म नहीं था कोई स्टैंडर्ड बॉडी नहीं थी जो हमें सॉफ्टवेयर सिस्टम को की मॉडलिंग करने के लिए प्रोवाइड की जाए सो so, हर इन uh, हर कोई अपनी अपने अपने परस्पेक्टिव में डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग थी हर कोई अपनी अपनी नोटेशन ही यूटिलाइज करता था सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम्स की मॉडलिंग के लिए सो so, उस टाइम के ऊपर देर आज थ्री फेमस साइंटिस्ट और पीपल और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ब्रूज रोम्बा एंड द जैकब्सन दिस दिस थ्री पीपल गिव देर थ्यूरीज एंड दिस वर द यूनिवर्सली एक्सेप्टड इन तीन लोगों ने अपनी अपनी मॉडलिंग बेस्ड थ्यूरीज प्रोवाइड की जिनको यूनिवर्सली तौर पर एक्सेप्ट किया गया एंड आफ्टर इट आल ऑफ थ्री ऑफ दिस थ्री सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स देड टू बिल्ड अ लैंग्वेज विच एक्चुअली देखा यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज इन तीन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने डिस डिसाइड किया कि वो एक नोटेशन लैंग्वेज यूज करेंगे अपनी तीनों थ्योरीज को मर्ज करते हुए और उसको उन्होंने नाम दिया था यू एम एल विच वी नोन एज यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज लाइक लेटर ऑन इन नाइनटीन नाइनटी सेवन देर वॉज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विकॉर्डा ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप हो ओ एम जी वन सो To make improvements in the UML, they release different versions of UML. So, Object Management Group is the standard body which act, which actually started to make different improvements in UML in the shape of releasing different versions in the market. So, let's see the different variants available of UML from its origins. सो देर आर डिफरेंट वर्जन्स ऑफ यू एम एल यू कैन सी दैट हमारे पास ये यू एम एल के डिफरेंट वर्जन है हाउल इट स्टार्ट इन द नाइनटीन नाइन सेवन इट स्टार्ट एंड दैन आफ्टर इट स्टार्टिंग इस डिफरेंट वर्जनस आर रिलीजिंग डे बाई डे तो इसके डिफरेंट वर्जन्स जो हैं डे बाई डे रिलीज़ होते रहें लाइक वन पॉइंट थ्री इन टू थाउजेंड लाइक इन टू थाउजेंड वन इट वाज द वन पॉइंट फोर एंड आफ्टर इन द लेट टू थाउजेंड फोर एंड द अर्ली टू थाउजेंड फाइव आई एस ओ इज़ द इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गनाइजेशन सो यू एम एल वाजसो पब्लिश बाई द इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन एज एन अप्रूवड आई एस ओ स्टैंड सिंस दैन दिसज बीन पीरियोडिकली रिवाइज टू ओवरकम द लेटेस्ट रिवीजन ऑफ यू एम एल बाई द ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप तो आई एस ओ के स्टैंडर्डाइजेशन के बाद डिफरेंट इसके हमारे पास रिवर्जनस रिलीज होते गए जो हमारे पास ओम जी ग्रुप्स हमें प्रोवाइड करते हैं लाइक 1.5 वर्जन हमारे पास 2000 स्ट्रीम में आया लेट्स अप टू सो टिल फेब नाइन 2009 ही हैव द लेटेस्ट वन UML 2.2 सो व्हाट वी हैव इन द UML 2.2 वी हैव UML 2.2 प्रोवाइड अस एक्चुअली 14 टाइप्स ऑफ UML डायग्राम्स which are further divided into two broader categories uh, each category have uh, roughly seven type of diagram which one uh, of one broader category is structural diagram and the other one is behavioral diagram so what are these different diagrams available in uml 2.2 the latest release of omg group we will discuss in the later part of this lecture सो इन शॉर्ट ये हमारे पास डिफरेंट वर्जनस हैं यू एम एल के जो अवेलेबल हैं तो लिंक्स आपके पास अवेलेबल हैं यू कैन डाउनलोड द लेटेस्ट वन वर्जन एंड कैन फॉर्म द डिफरेंट डायग्राम विद द हेल्प ऑफ यू एम एल इन अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम की मॉडलिंग करने के लिए सो ना हेयर इज द फॉर्मल टेक्निकल डिस्कजन ऑफ यू एम एल इज़ स्टार्टिंग यहाँ से हमारी फॉर्मल यू एम एल की जो टेक्निकल डिसकजन है इज गोइंग टू स्टार्ट सो बेसिकली यू एम एल इज़ डिड इंटू टू categories. First one is structural one and the second one is behavioral one. Structural aspects of software modeling give us a static view of the system or static features, while behavioral aspect uh, aspect of the system give us a dynamic feature or tells either how the system will बी परफॉर्म इन रियल टाइम और एट रन टाइम सो जो जो यू एम एल है हमारे पास उसको दो अस्पेक्ट्स में डिवाइड किया जाता है स्ट्रक्चरल में और बिहेवियरल में जो स्ट्रक्चरल व्यू है हमें स्टैटिक फ़ीचर सिस्टम के बता रहा होता है जबकि जो बिहेवियरल है वो डायनामिक फीचर जो रन टाइम पे सिस्टम की फंक्शनैलिटीज़ हैं हाउ इट विल परफॉर्म्स उसके बारे में हमें बिहेवियरल एस्पेक्ट्स यू एम एल का बता रहा होता है और जो आर्किटेक्चरल एस्पेक्ट है यू एम एल का इट बेसिकली कम्पोज ऑफ बोथ स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट एज वेल एज बिहेवियरल एस्पेक्ट विच वी कॉल द बिलू प्रिंट ऑफ द इंटायर सिस्टम सो आर्किटेक्चरल एस्पेक्ट इज़ द ब्लू प्रिंट ऑफ द इंटायर सिस्टम विच इज एक्चुअली कम्पोज ऑफ द स्ट्रक्चरल वन एंड द बिहेवियरल वन जो हमारे पास आर्किटेक्चरल मॉडल है किसी भी सॉफ्टवेयर सिस्टम का वो कम्बिनेशन है स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट का और बिहेवियरल अस्पेक्ट का जिसके अंदर हम स्टेटिक व्यू और डायनामिक व्यू दोनों ही डिसकस करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के सिस्टम को मॉडल करते हुए सो हेर यू कैन सी द ग्राफिकल हेर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ हाउ द आर्किटेक्चर इज कम्पोज ऑफ यू कैन सी डेट आर्किटेक्चर इज बेसिकली कंपोज ऑफ दिस टू ब्रॉडर कैटेगरीज वी डिस्कस द फर्स्ट वन वाज द स्ट्रक्चरल वन एंड द सेकेंड वन वाज द बिहेवियरल वन सो इन लेम एन वर्ड्स वी कैन सी डैट स्ट्रक्चरल इज द स्टैटिक व्यू विच इंफासाज द स्टैटिक स्ट्रक्चर ऑफ यूजिंग ऑब्जेक्ट्स, एट्रीब्यूट ऑपरेशन एंड रिलेशनशिप्स एज वेल ऑन द अदर हैंड बिहेवियल डायग्राम वी कैन सी द लेम एंड वर्ड इंफासाज द डायनामिक बिहेवियर ऑफ द सिस्टम बाई शोइंग कोलेबोरेशन अमंग ऑबजेक्ट्स एंड चेंजिज टू द इंटरनल स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो हमारे पास स्टैटिक व्यू है स्ट्रक्चरल व्यू है वो इंफासाइज करता है सिस्टम के स्ट्रक्चर के ऊपर यूजिंग uh, ऑब्जेक्ट्स को एट्रीब्यूट्स को ऑपरेशन को और उनके दरम्यान रिलेशनशिप को जबकि जो डायनेमिक व्यू है वो सिस्टम के बिहेवियर को शो करता है कि कैसे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आपस में कलेबोरेट करते हैं और इंटरनल स्टेट के स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट को वो चेंज कैसे करते हैं सो दिस इज़ द ब्रीफ ओवर व्यू अबाउट स्ट्रक्चरल इस्पेक्ट एज वेल एज द बिहेवियल अस्पेक्ट so uh, behavioral and structural subjects are the two most basic aspects of the uml based notation so uh, as we see earlier static view we call the structural aspect of the system and dynamic view we call the uh, behavioral aspect of the system so these two aspects statics one and the dynamic one is model as complete when both aspects are covered fully सो वी कंसिडर सो वी हम अपने मॉडल को उस वक्त पूरा तस्लीम करते हैं जब उसके अंदर दो अस्पैक्ट्स डिस्कस किए जाएँ स्टैटिक वन एंड द डायनमिक वन जिसको हम स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट भी बोलते हैं और डायनमिक एस्पेक्ट भी बोलते हैं जब किसी सिस्टम के अंदर स्टैटिक और डायनामिक बहुत एस्पेक्ट्स आ जाएँ दैन हम कहते हैं कि ना आवर मॉडल इज कम्प्लीट सो इन लेम एन वर्ड्स और इन अदर वर्ड्स वी कैन सेट डामिक एस्पेक्ट और बिेवियर एस्पेक्ट शोज द हाउ द सिस्टम विल वर्क इन मोशन डेट इज़ हाउ द सिस्टम इंटरेक्ट्स विद इंटरनल एंटिटीज एंड यूजर और यू कैन आल्सो सी डेट इट हाउ इट रिस्पॉन्ड्स टू इनपुट और इवेंट ये डिफरेंट इनपुट्स को और इवेंट को कैसे रिस्पोंड करता है इन अंडर वट कंस्टेंट्स किन कंस्टेंट्स के अंदर कैसे ऑपरेट करता है ये सारी की सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं डायनामिक व्यू के अंदर सो so, विच वी आल्सो कॉल्ड अवियरल एस्पेक्ट ऑन द अदर हैंड इन स्टैटिक स्ट्रक्चरल अस्पेक्ट और स्टैटिक्स्पेक्ट यू कैन से डैट कि जो हमारे पास स्टैटिक uh, अस्पेक्ट है या स्ट्रक्चरल अस्पेक्ट है अपने सिस्टम का वो रिप्रजेंट करता है स्ट्रक्चर को और दे आर यूज एक्सटेंसिवली इन डॉक्यूमेंटिंग द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर और उनको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर को आर्किटेक्चर को डॉक्यूमेंट करने के किसको structural elements go which we also call the static aspects of our system so i hope you will disc uh, you will better understand the basic uh, basic terminologies what are the uh, structural aspects of the uml notation and the behavioral aspects of the uml notation structural aspects are also called a static view of the system and behavioral aspects are also called the dynamic view of the system static static or structural aspects of the system give us the how the system will extensively doc, uh, documenting it give us the architecture of software. While on the other hand, behavior or dynamic view tells us behavioral and dynamic view tells us how the system will works in motion and how the system interacts with the external entities and users, and as well as it also responds to the uh, uh, res and also it also tells us how our system will respond to the input or event in constraints. In which it is being operated. So, it is that discussion about the structural aspects and the behavioral as aspects of UML based notation, which we also got the static aspect and dynamic aspect. So, here we conclude that a model is considered only completed when it covers both aspects, stat structural one and the behavioral one.